अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सबाना नासरीन। तो कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैंने आईब्रो का वीडियो बनाया था जो कि शायद आप लोगों को मिल गया हो या फिर इस लुक के बाद मिले। बहुत डिटेलिंग में मैंने बनाई है, आई मेकअप और कॉन्टोरिंग वगैरह सब कुछ मैंने डिटेलिंग में बनाई है। बस हाईलाइटर और ब्लशर का बचा हुआ है जो मैं आप लोगों को बताऊँगी, उसके बाद बेस। तो वो सारी वीडियोज़ मैं बैक टू बैक आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। थोड़ा लेट भी हो सकता है बिकॉज़ थोड़ी बिज़ी रहती हूँ काम में इसके लिए। तो चलिए अब मैं लुक को स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैं पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ, बट आईब्रोज़ वैसे की वैसे रहने दूँगी। सो गाइज, मैंने क्लीन कर लिया लिपस्टिक ब्रश और फेस को पूरा। बेस अपना क्लीन नहीं किया है, आई बेस, क्योंकि इसमें मैं वीडियो बनाने वाली हूँ इसीलिए। तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो फेस का केयर वगैरह नहीं हुआ है, वो हम करेंगे, पर पहले अपने चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कोई भी एक टेप ले लेना है और बस अप्लाई हो गया है। तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट में से करूँ मेकअप, तो चलो अब हम करते हैं इससे स्टार्ट। मैंने लिया है रेवोल्यूशन के पैलेट और उसमें से मैं ब्लू कलर उठा रही हूँ। आज मैं सोच रही थी थोड़ा सा क्रिएटिव करूँ, तो इसीलिए मैं ब्लू कलर से कर रही हूँ। अपने फिल मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ, झटपट, इसीलिए मैं ब्लू कलर से ही कर ले रही हूँ। थोड़ा सा स्मोकी टाइप का भी लुक हो जाएगा ब्लू कलर से। तो यह मैं ब्यूटी ब्लेंडिंग ब्रश से लेकर अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। सो ये देखिए ब्लेंड हो रहा है काफ़ी अच्छे से। आपको इसी तरीके से ब्लेंड करना है। और अगर आपको क्रीज़ का उतना मुआयना ना हो तो आप क्या करें कि उसको ड्रॉ कर ले, उसके बाद ब्लेंड करें, तो वो अच्छे से हो जाएगा। हाफ हाफ करके आपको लेते रहना है और आपको थोड़ा सा ब्लैक कलर भी यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप स्मोकी के लिए थोड़ा सा ब्लैक कलर, अगर आप डार्क दिखाने के लिए थोड़ा सा ब्लैक कलर यूज़ करते हो किसी भी कलर में, तो वो कलर काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो जाता है। तो इसलिए आपको ब्लैक कलर यूज़ करना है। उसके बाद मैं कर रही हूँ हाइलाइटिंग। तो हाइलाइटिंग के लिए मैंने आई शेडो ही यूज़ किया है, वो मुझे रिसीव हुआ था हुक से। मैं ज़रूर उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो किस तरीके का है। तो मैं उसको हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद अब आती है बारी आई शेडो लगाने की। तो ये कौन सी आई शेडो है? ये है सुगर की आई शेडो, जो कि क्रियोन वाली आई शेडो है। तो इसकी भी वीडियो मैं डिटेलिंग में डालूँगी ज़रूर आप लोगों के साथ। तो काफ़ी, तो चलो मैं इसको लगा लेती हूँ। ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने लगा लिया है और उसके बाद मैंने अगेन सुगर की ली है लिपस्टिक काजल, सुगर की जेल काजल ली है, जिससे मैं लगा रही हूँ अपने आईज पे एज अ आई लाइनर। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है गाइज ये लाइनर, बट इसकी जो अच्छी लगी मुझे, पर कुछ बातें हैं जो आपको अलग से मुझे बतानी पड़ेगी वीडियो बना के, तो वो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए डिटेलिंग में वीडियो सारी चीज़ों का लाऊंगी। तो आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए मैंने अब टेप निकाल लिया है। तो ये काफ़ी अच्छे से देखिए लुक हुआ है। तो अब हम लगाएंगे काजल। तो मैंने लिया है पर्पल का वाइट कलर का काजल। मैंने लगा लिया है पर्पल का वाइट काजल ताकि मेरा आईज थोड़ा बड़ा और बोल्ड दिखे, तो इसलिए मैंने लगा लिया। ऐसे तो मेरी आईज बड़ी है, फिर भी मैंने वाइट काजल लगाया है। उसके बाद मैं अगेन लूँगी आई शेडो जो कि है लिपस्टिक जैसा दिखता है, शुगर का है, वो मैं लगा रही हूँ अगेन अपने लोअर लैश लाइन पे। बाकी और मैं कोई कलर यूज़ नहीं कर रही, थोड़ा सा क्रिएटिव कर रही हूँ इस आईज लुक को इसीलिए। ये आईज लुक तो हो गया है कंप्लीट। तो अब मुझे लगाना है आई लैशेस। तो इसकी मैंने वीडियो डाली हुई है आप लोगों के साथ, मैंने शेयर किया है इसकी वीडियो, तो आप ज़रूर देखना। तो इसके साथ ग्लू भी मिलता है आई लैशेस के साथ। तो ये ग्लू मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब जो हम डुओ का ग्लू ख़रीदते हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये डुइप वाला से। तो ये ग्लू बहुत अच्छे से
स्टिक कर देता था, बट ये बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देता, काफ़ी आसानी से निकल भी जाता है, बट बहुत अच्छा ग्लू है ये। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर पर्पल का, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये ऑल स्किन टाइप का प्राइमर है, आप यूज़ कर सकते हो, बट हाँ अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप पोर प्राइमर यूज़ करें, वो आपके स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, तो अगेन पर्पल का ही फाउंडेशन है। तो मेरी स्किन ड्राई है काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने मुझे आप अगर आपकी भी स्किन ड्राई है तो आपको पहले एक ऑयल यूज़ कर लेना चाहिए ताकि आपका फेस हाइड्रेट हो जाए, तो मैंने नहीं किया था, इसीलिए मेरा फेस आप देख सकते हो थोड़ा पैची पैची सा लग रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा रूखा सूखा। तो आपको मेकअप करने से पहले स्किन केयर ज़रूर करना है, इस गलती से आप लोगों को भी शायद कुछ सीखने का मौका मिले जो मैंने गलती की है। तो आप लोग ज़रूर, अगर आपकी ड्राई स्किन है और सर्दियों में हो तो ज़रूर से आप कोई भी एक ऑयल यूज़ कर लो, ऑयल बोले तो फेशियल ऑयल यूज़ कर लो, उससे आपका स्किन काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट हो जाएगा। और उसके बाद मैंने पाउडर से सेट कर लिया, और अगर तो आपको पाउडर को अवॉइड करना पड़ेगा थोड़ा, बस हल्का लगा के ही छोड़ना है। और कंसीलर आपको थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ करना है, ज़्यादा लाइट कलर यूज़ नहीं करना है, मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर यूज़ कर लिया तो बाद में चेहरा बहुत अजीब लगने लगा, जो कि आप देख ही सकोगे वीडियो में। बस मैं आप लोगों को बता रही थी कि इस तरीके से कंसील करें, ऐसे मेकअप कीजिए तो काफ़ी अच्छे से होगा, थोड़ा बहुत अपना तरीका भी डाल रही थी। उसके बाद अब मैं कर रही हूँ कॉन्टोरिंग, वीडियो आपको पूरी देखनी है क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर किया है, तो मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ अपने फेस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपसे नहीं होता तो आप एक डॉट डॉट दे करके भी कॉन्टोरिंग कर सकते हो, और आप अपने पाउड बना लो, तब आपको पता होगा कि आपको कटिंग कहाँ करनी है, तो आप उस तरीके से कटिंग कर पाओगे। उसके बाद मैंने नोज़ भी कटिंग कर ली। इसकी वीडियो मैंने आईब्रो को फिल करने की वीडियो शायद आपको आगे वीडियो में शेयर कर दी होगी, वो आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो मैं उसके सेकंड दिन पे कर रही हूँ, डाल रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर देख लेना। कोशिश करूँगी आई बटन में लिंक डालने की, पर पता नहीं क्यों मेरा आई बटन में मैं लिंक अभी डाल ही नहीं पा रही, होता ही नहीं है बिल्कुल। तो ज़रूर आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करना। और देखिए मैं चारों तरफ कंसीलर लगा रही हूँ ताकि मैं जो फेस को कट करूँ वो हाइलाइटिंग दिखे और मेरा फेस थोड़ा पतला दिखे। तो ये मैं ब्यूटी ब्लेंडर लेकर के अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ अपने कंसीलर्स को, और छोटू सा एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ जो भी मैंने कटिंग वगैरह की है और कंसीलर लगाई है उनको। आपकी ड्राई स्किन है तो आपको ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना है, ऑयली भी स्किन है तो आपको ज़्यादा देर तक कंसीलर नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो सूख जाएगा फेस पे, तो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। और हमेशा आपको वेट वेट ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करना है ताकि उससे काफ़ी प्रोडक्ट अच्छे से बैठ जाए और वो ज़्यादा पैची सा ना लगे। एकदम ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से बिल्कुल वेट मत करना, थोड़ा सा भिगो लेना, जब उसका साइज एक्सेस हो जाए तब भी आप उसको अच्छे से निचोड़ के यूज़ करना, तब आपका जो भी आप फाउंडेशन लगाओगे ना वो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होगा और जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो नहीं लगेंगे। तो अब मैं ब्लश लगा रही हूँ, शिवाना का ब्लश लगा रही हूँ अपने फेस पे, फिर हाइलाइटर लगा रही हूँ ऑब्ल्यूशन का, इसकी वीडियो मैं ज़रूर डालूँगी डिटेलिंग में, और मैं बताऊँगी कि ये मैंने कहाँ से ली है वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं नोज़ पे भी हाइलाइटर लगा ले रही हूँ, हाइलाइटिंग एरियाज में मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। तो ये हाइलाइटर मेरे फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हाइलाइटिंग लग रहा है, बट ये लाइट के वजह से ऐसा लग रहा है, बट ऐसे बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा था ये हाइलाइटर, तो लाइट की प्रॉब्लम होने की वजह से लग रहा है। तो ये सुगर की लिपस्टिक है, मिनी लिपस्टिक्स, इसकी रिव्यू मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक लगी है। और मैंने पहले तो आप लोगों के साथ सुगर की लिपस्टिक की रिव्यू की हुई है, तो और ये वाली लिपस्टिक कैसी है वो भी बताऊंगी, उसके तरह है या उससे अच्छी है या सिमिलर है, जो भी है मैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो मैंने लिया है शेड नंबर
आई थिंक सो 24 लिया है शेड नंबर, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ अपने लिप्स पे. तो ये मेरा लुक हो गया है कंप्लीट. गाइस दिस लुक वाज ऑलमोस्ट डन. तो ये आपको कैसा लग रहा है? हेयर मैंने बस इसी तरीके से बांध लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया. पहले ही मैंने बांध लिया था, बस उसको कोम कर लिया तो हो गया. आप इस तरीके से भी जा सकते हो. और आपको गाइस ये लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट है. आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा. मैंने न्यू क्रिएटिव तरीके से किया है, सो होप सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा. अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना. अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करना. मैं थोड़ा अलग वे में करने की कोशिश करती हूँ और थोड़ा अलग अलग वे में. तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करना और शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी करके जाना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो. और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे. सो गाइज चलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ. तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.